हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे भाई? मस्त रहो, चिल रहो एकदम। तो आपको एक वही अपडेट देनी थी यार, जो मेरे लास्ट एप्स हो गए, पपीज एक्सपायर हो गए थे। किस वजह से हुए थे ये बताना था आपको, क्योंकि जिस दिन आप एक्सपायर हो जाते हैं यार पपीज, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है ज़्यादा। तो फिलहाल तो 3 पपीज दिए थे छोटी ने, 2 फीमेल्स थी, 1 मेल पपी था। तो बट जो पपीज के एक्सपायर होने का कारण था वो था ओवर फीडिंग। फीमेल को दूध की प्रोड्यूसिंग काफ़ी हाई क्वांटिटीज में होती थी, जिसकी वजह से जो पपीज थे वो ओवर लोड हो जाते थे। पपी मैंने शुरू में नोटिस भी किया था, बट ऐसा आइडिया नहीं था कि पपीज ऐसे भी हो सकते हैं। तो फाइनली ओवर फीडिंग करने की वजह से मेरे 2 पपीज एक्सपायर हो गए थे। फीमेल के मिल्क वगैरह में कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मिल्क अच्छा था, बट ओवर फीडिंग करने की वजह से ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि यार ओवर फीडिंग करने की वजह से भी आपके पपीज एक्सपायर हो सकते हैं। और काफ़ी पपीज एकदम एक्टिव थे, हेल्थी थे, कोई नहीं थे। जो रोज़ चेकआउट होते हैं, रोज़ सुबह शाम, मतलब जब भी हम फीडिंग कराते हैं हरदम चेकआउट होते रहते हैं पपीज। बट पता नहीं क्या रीज़न रहा कि 2 पपीज एक्सपायर हो गए। तो ये चलते रहते हैं, बट हरदम ध्यान रखें। ये भी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया कि ओवर फीडिंग करने से भी आपके पपीज एक्सपायर हो सकते हैं। इसलिए हरदम ध्यान रखें, जब भी आपके पपीज की क्वांटिटीज कम हो और फीमेल के पास ज़्यादा ना छोड़े, दूध की क्वांटिटीज का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सी फीमेल का दूध बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसिंग में होता है, काफ़ी क्वांटिटीज में होता है, किसी का कम होता है। बट वो आप डिपेंड कर लीजिएगा अपने ऊपर। इसमें क्या होता है, जब फीमेल पपीज ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो वो पेट के बल रहने लग जाते हैं, उनके हाथ पैर दोनों पीछे की तरफ खड़े रहते हैं और पेट की बल ज़्यादा रहते हैं, और पेट क्योंकि स्टमक ज़्यादा फूल जाता है। तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखें, जब भी ओवर फीडिंग कर लेते हैं आपके पपीज तो उनको फीडिंग का टाइम कम से कम 6 घंटे का अराउंड का गैप रखें, 6 घंटे का कम से कम। तो ये एक छोटा सा अपडेट देना था आपको। प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है, इतना ध्यान रखने के बाद भी। चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।